ग्लो लाने के लिए विटामिन सी सीरम, एजलेस स्किन पाने के लिए रेटिनोल सीरम, और पिगमेंटेशन हटाने के लिए कोजिक एसिड सीरम। स्किन पर ब्लेमिशेस हैं या फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो सैलिसिलिक एसिड सीरम, स्किन ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इतने सारे सीरम्स, इतनी सारी रिकमेंडेशंस, आई एम श्योर आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कौन सा सीरम लगाएं, क्योंकि दो तीन प्रॉब्लम्स तो सभी को होती, राइट? तो आज इस कंफ्यूजन का अंत करने आई हूँ। एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो कि पिगमेंटेशन पर भी काम करेगी, जो कि ग्लो पर भी काम करेगी, स्किन को अनइवन होने से बचाएगी, इवन टोन बनाएगी, जो आपकी स्किन को एजलेस यूथफुल बनाएगी, जो कोलेजन का भंडार है आपकी स्किन में कोलेजन को भर देगी, एजलेस स्किन पाओगे आप, और साथ ही साथ आपके जो ओपन पोर्स हैं वो एकदम श्रिंक होते जाएंगे, स्किन ब्राइट होगी, यूथफुल होगी और सारे ब्लेमिशेस दूर होंगे। ये रेमेडी इस तरह से काम करती है, यानी कि ये जितने भी सीरम्स मैंने पहले आपको गिनाए उन सभी का सम्मिश्रण है इस रेमेडी में। खर्चा कुछ है नहीं, आई एम श्योर सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर होंगे, सभी स्किन टाइप्स को सूट करती है और सभी स्किन इश्यूज पर वर्क करती है। इससे सस्ती बढ़िया टिकाऊ रेमेडी कोई हो नहीं सकती है। 10 दिन से मैं यूज कर रही हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले, अपनी फ्रेंड्स को दी ये रेमेडी बनाकर, उनकी स्किन के क्या कहने, मतलब नक्शा ही बदल गया स्किन का। तो आई एम श्योर आप भी यूज करोगे, बे इंतहा नतीजे आपको मिलेंगे और आपके जो जितने भी सीरम्स मैंने गिनाए इन पर जो खर्चा होता है वो बचने वाला है, साथ ही साथ कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। तो ये रेमेडी आज बनानी है, यूज करनी है और कैसे रिजल्ट्स मिले जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए, और अगर ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत सारा प्यार दिल से। आई एम श्योर मेरी दुआएं आप तक जरूर पहुंचती होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेमेडी बनाना। इसके लिए जो सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट है ना, जिसमें फेरुलिक एसिड भी होता है, जिसमें विटामिन सी भी होता है, जिसमें लाइनोलिक एसिड भी होता है और जिसमें विटामिन बी और विटामिन ई भी होता है, वो है ये टमाटर। जी हाँ, इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है और विटामिन ई जैसी स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ब्लेमिशेस को भी दूर करता है ये और साथ ही साथ रंग निखारता है। ओपन पोर्स को जहां ये श्रिंक करता है वहीं कोलेजन को भी बढ़ाता है। तो बहुत सारी स्किन रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इस टमाटर में। ये जैसा लाल खुद है वैसा ही हमें भी कर देता है। जी हाँ, सुंदरता की लाली आप पर भी छा सकती है अगर टमाटर को स्किन केयर में यूज करेंगे तो। करना क्या, एक टमाटर लेना है, हेल्दी वाला टमाटर, अच्छा सा शाइन वाला टमाटर लेना है और उसको आपने धो लेना है। जब हम मार्केट से टमाटोज या कोई भी वेजिटेबल्स लेकर के आते हैं उसमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स का अंश होता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो आपके फेस पर जाए, इसलिए टमाटो को हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला करके, थोड़ा पानी मिला करके अच्छे से धो लेंगे ताकि जितना भी इस पर कुछ केमिकल है वो निकल जाए और हमारी स्किन पर कोई भी नुकसान ना पहुंचाए टमाटर की ये ऊपरी परत। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम धो लेंगे टमाटर को। अब टमाटर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा और आपने इसे ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से पीस लेना है, एकदम टोमेटो प्यूरी बना लेनी है, जैसे कि आप सब्जियां बनाने के लिए बनाते ही होंगे, तो ये कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से टोमेटो प्यूरी मिल जाएगी। फिर आप इसे एक मसलिन क्लॉथ में डालेंगे और अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। टोमेटो का जूस हमें निकाल लेना है, 4 से 5 चम्मच टमाटर का जूस एक टमाटर से निकलता है, इतना काफी है हमारी इस रेमेडी के लिए। ये रेमेडी हफ्ते में रोज लगानी है आपको, एक हफ्ते के लिए रेगुलर लगानी है, उसके बाद अल्टरनेट डे पर लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट वीक के लिए ये रेमेडी हमारी एक ही बार बनके तैयार हो जाएगी, इसे रोज रोज बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दीजिएगा, बस निकालिए और रोज रोज लगाइए। तो टमाटर का प्यूरी या टमाटर का रस हमें मिल गया, ये जो बूंदा बचा है ऊपर वाला इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम वीडियो के अंत में एक बोनस रेमेडी बनाने वाले हैं जो कि आपकी फुल बॉडी की स्किन को चमकाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ये ओट मील, जिसे ओट्स भी कहते हैं। ये ओट्स क्या करते हैं, एक तो इनमें सैपनिन होता है यानी कि आपकी स्किन की गहराई से सफाई करते हैं, सोप की जरूरत नहीं है अगर आप ओट्स यूज करते हैं स्किन केयर में। दूसरी चीज, ओट्स क्या करते हैं, ओट्स कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, कोलेजन बिल्डर का काम करते हैं। ओट्स खाइए, ओट्स स्किन पर लगाइए, आपकी स्किन जल्दी से बूढ़ी नहीं होगी।
ओट्स आपके ब्लेमिशेस को रिड्यूस करते हैं बिकॉज इसमें होता है अल्फा आर्बुटिन जो कि आपकी स्किन के ब्लेमिशेस को लाइटन करने का काम करता है. सन एक्सपोजर से जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है ओट्स उसको भी काट देते हैं, यानी कि सन एक्सपोजर से होने वाले नुकसान को कम करते हैं और आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा प्लम्प बनाते हैं. चेहरे को अगर फेयर बनाना है तो ओट मिल्क पीजिए और ओट मिल्क अपने फेस पर लगाइए. वही ओट मिल्क आज हम इस रेमेडी में भी डालने वाले हैं बिकॉज ये फेयरनेस का भी खजाना है. साथ ही साथ ओट्स आपकी स्किन के रिंकल्स को अपलिफ्ट करते हैं. स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं ओट्स में. तो 3 चम्मच ओट्स लिए और इसमें हम मिलाएंगे तकरीबन 50 ml मिल्क. मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करने के साथ साथ पोर्स को भरता है और आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है दूध. तो इस तरह से ये दोनों चीजों को मिक्स किया, एक पैन लिया, ओट्स और मिल्क का ये मिक्सचर डाल देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे ओट्स अच्छे से पक नहीं जाते और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इस वीडियो को देश के कौन से हिस्से से देख रहे हो या फिर विदेश से देख रहे हो. मुझे जानकर बहुत बहुत खुशी होगी. तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी ओट्स के पकने के बाद. अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर मसलिन क्लोथ से छान लेंगे. तो ये देखिए ओट मिल्क ये हमें मिल गया ब्यूटीफुल सा. अब हम ये जो हमारा पल्प बचा है ओट्स का इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम लास्ट में जो बोनस रेमेडी है उसमें ऐड करेंगे. अब ओट्स मिल्क और ये जो टोमेटो की प्यूरी है, टोमेटो का रस है, इसको हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और ये ब्यूटीफुल सा मिक्सचर तैयार हो गया. इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल. ऑलिव ऑयल विटामिन ई का रिच सोर्स है, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है. आप कह सकते हो कि नेचुरल रेटिनॉल सीरम का काम करता है ऑलिव ऑयल. और दूसरी चीज जो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ वो है शहद यानी कि हनी, बिकॉज हनी में ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट होते हैं तो क्या मिलता है, स्किन को मिलता है ग्लो, स्किन को मिलती है टाइटनेस और स्किन को मिलती है ब्राइटनेस. ये सारी चीजें मिक्स करी और ये बढ़िया सा कोलेजन पैक हमारा बनकर के तैयार है जो कि आपकी स्किन को निखारेगा, सवारेगा, एजिंग साइंस को डिले करेगा, पोर्स को टाइट करेगा, ब्लेमिशेस को हटाएगा और ग्लो से भर देगा आपके स्किन को. तो इस तरह से आपने एक डिब्बी में से शिफ्ट कर लेना है एंड हफ्ते भर आपको डेली लगाना है. कितनी देर के लिए लगाना है, 20 मिनट के लिए इसे अपने फेस पर अप्लाई करके रखना है और 20 मिनट के बाद जब आप चेहरा धोगे आपको कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर, सीरम कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये इतनी ब्यूटीफुली आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, ग्लो देगा, अनइवन स्किन टोन को दूर करेगा कि आप एक बार नहीं इस पैक को बार बार बनाने वाले हो और अपनी स्किन केयर में हमेशा शामिल करने वाले हो. ये मुझे लगता है बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल हैं. एक ही बार में इतनी सॉफ्ट एंड शाइनी आपकी स्किन हो जाएगी ना कि आप खुद बनाने पर इसको मजबूर हो जाओगे. तो स्टोर करके रखिए फ्रिज में और लगाइए 20 मिनट के लिए. उसके बाद पानी से चेहरे को धो दीजिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग में नहाने से पहले लगा लीजिए 15 मिनट पहले और उसके बाद नहाते वक्त चेहरे को पानी से धो लीजिए. कोई फेस वॉश, कोई सोप आपको लगाने की जरूरत नहीं है. शाम को आप जब स्किन केयर करें तो जरूर फेस वॉश कर लें, लेकिन सुबह इसी तरह से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है. या फिर अगर आप इसे रात को यूज कर रहे हो तो रात को फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है. ये लगाया, 20 मिनट बाद पानी से धो लिया, दैट्स इट. इसके बाद कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल इफ योर फेस इज वेरी वेरी ड्राई इन विंटर्स यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइजर सीरम. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है, मुझे नहीं लगता आपको कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज जो ऑयल, सीरम, मॉइस्चराइजर की प्रॉपर्टीज इस पैक में है, राइट. अब बारी है बोनस रेमेडी की. टोमेटो का पल्प और ओट्स का गूदा बचा था, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी दही और ये बन गई हमारी बोनस रेमेडी. तो इसको यूज कीजिए अपने हाथों और पैरों को स्क्रब करने के लिए, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे. तो इस तरीके से लगाइए, हफ्ता भर ये एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन के साथ कीजिए एंड आई एम श्योर आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी. और अगर आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलती है, अगर आपकी स्किन में कुछ निखार आता है, कुछ बदलाव आता है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है.
और यही बनते हैं मेरे लिए मोटिवेशन नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, बिकॉज ये रेमेडीज सच में बहुत लोगों के चेहरे पर निखार ला रही हैं, उनको पार्लर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि आपके कमेंट्स मुझे बताते ही हैं। रोजाना कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे जरूर आते हैं कि पूजा मैंने पार्लर जाना छोड़ दिया, पूजा मैंने महंगे महंगे फेशियल्स कराना छोड़ दिया, पूजा मैं कुछ भी बाहर का अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज ये रेमेडीज इतनी असरदार है कि वाकई में हमारा चेहरा खिल रहा है, निखर रहा है। तो अगर ये रेमेडीज सच में काम कर रही हैं, आपके फेस पर बदलाव आता है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, इतना प्यार देने के लिए, वो एक थम्स अप जो आप दबा देते हो ना, वो सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस पाने के लिए जो आपका समय और पैसा दोनों ही बचाते हैं और आपकी स्किन को एजलेस ब्यूटीफुल बनाते हैं। साथ ही साथ हेयर और हेल्थ के वीडियोस भी मैं डालती रहती हूँ, उन्हें भी जरूर देखा कीजिए। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।